मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक पुलिस अफसर की पत्नी का पर्स चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि एसपी की पत्नी महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही थी, इसी दौरान चोरों ने उनके पर्स पर हाथ साफ कर दिया। जब उनको पता चला कि उनका पर्स गायब है तो उनके भी होश उड़ गए। इसके बाद पूरे मामले की शिकायत जीआरपी में की गई। फिलहाल जीआरपी ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि महिला ग्वालियर एसपी राजेश सिंह चंदेल की पत्नी रेणू सिंह है। जीआरपी ने बताया कि रेणू सिंह के पर्स में पानी की बोतल और अन्य सामान थे। वो जबलपुर से ग्वालियर की यात्रा कर रही थी और इसी के दरमियान उनका पर्स चोरी हो गया। वो यहाँ उतरी तो डे अधिकारियों ने एफआईआर उनकी की है, तो उन्होंने बताया है कि एक बोतल पानी की और पर्स और खाने पीने का सामान था, वो जो है चोरी किया, तो उसको मामला कायम कर लिया है। 171 अपराध क्रमांक मामला रजिस्टर करके उसको सर्च कर रहे हैं और तलाश कर रहे हैं। किस ट्रेन से आ रही थी, कब की घटना? महाकौशल, ये घटना है करीबन 5:30 बजे महाकौशल की, जबलपुर से जो निजामुद्दीन जाती है उसमें। अच्छा, अभी चोर की तलाश के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? लगा दिए हैं आदमी, हाँ, तलाश कर रहे हैं, जो आपराधिक रिकॉर्ड है जिनके जो है वो सब पता कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं।